अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू बेगम किचन। मैं हूं आपकी दोस्त होस्ट नाजिश। आज मैं लिख रही हूं टू टाइप्स ऑफ मैंगो ड्रिंक, तो बहुत ही यम्मी है। एक है चॉकलेट वाली और एक है मिल्क वाली, यानी कि एक है मिल्क मैंगो शेक और दूसरी जो है वो भी बहुत यम्मी है, और दोनों ही बहुत बहुत यम्मी है। आप ज़रूर ट्राई करिएगा, रमज़ान स्पेशल है और आप सबको रमज़ान बहुत तहे दिल से मुबारक हो। इंशाल्लाह ये मुबारक महीना आप सबको खैर बरकत अता फरमाए आपके घर में, और इफ्तार के लिए ये बहुत ज़बरदस्त ड्रिंक है, तो आप लोग अपने दस्तखान में ये ज़रूर लगाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें चाहिए मैंगो बहुत बढ़िया वाले, बहुत क्वालिटी अच्छी वाले हमें मैंगो चाहिए, तो इसका हमें छिकल उतार लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हम इसका छिकल उतारते हैं। पहले हम इसकी यहाँ से लेकर इसकी छिकल उतार दिए, हमें एक और मैंगो चाहिए। तो हम पहले तो हम इसे कट कर लेंगे आधा, और आधे का जो बचा है उसको हम छिकल उतार लेंगे। दोनों का छिकल उतर गया है, इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे और इसको हम ऐसे करके, हमने ये वाले मैंगो इसलिए यूज़ कर रहे हैं इसमें गूदा ज़्यादा होता है अकॉर्डिंग टू गुठली जैसे ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो गूदा हमें बहुत अच्छी तादाद में मिलता है। तो हम रफली हम इसे गूदे को अलग कर लेंगे। पल्पी मैंगो बस जा रहा है हमारा जार के अंदर, तो ये जार लिया हमने और अपने पल्प को इसके अंदर डाल दिया। हमें चीनी डालनी है, तो हमने जैसे ये बना रहे हैं दो ग्लास के हिसाब से, तो हम इसमें डालेंगे 4 चम्मच, 1, 2, 3 एंड 4, और थोड़ा सा पानी डालेंगे, आधा ग्लास हम इसमें पानी डाल देंगे और बस अब हम इसे ब्लेंड करेंगे अच्छे से। साथ ही मैं एक चीज़ और करके दिखा रही हूँ आपको कि मैंने ये से तो पल्प को ब्लेंड करेंगे, साथ में जो मैंने ये कट करा था मैंगो तो उसको हमें क्यूब्स में कट करना है, बारीक क्यूब्स में कट करना है। तो इसका पहले हम हल्का सा ऐसे ऐसे करके स्लाइसेस निकालेंगे, देखिए बारीक से स्लाइसेस निकालेंगे। और हम इसे बारीक बारीक चॉप करेंगे।
पल हमारा बहुत अच्छा सा ब्लेंड हो गया है। ब्लैक किशमिश ली थी हमने यहाँ पर, जैसे इतने बड़े साइज में थी ये ब्लैक किशमिश। इसको मैंने इस तरीके से कट करा और बारीक सा चॉप कर दिया ताकि हमारे मैंगो शेक में ये पल्पी पल्पी सा आए। तो यहाँ चाहिए थोड़ी सी हमें सिरप चॉकलेट, और इधर हमने चॉकलेट चाहिए। अब चॉकलेट जो चाहिए हमने वो थोड़ा सा हम इस टाइप का ग्रेटर लेंगे और ऐसे करके ग्रेट कर लेंगे। देखिए हमें बहुत अच्छी सी ग्रेटेड चॉकलेट मिल जाएगी। देखिए बहुत बढ़िया सी मिल रही है। बस हमने ये बस इतनी ही चाहिए, ज़्यादा नहीं चाहिए। तो देखिए अब हमने जो हमारा पल्प निकला है वो हम इसमें दो ग्लासेस बना रहे हैं। देखिए मैं पहले मग में कर रही हूँ, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। देखिए मैंने एक मग में आधा करा और दूसरे में आधा करा, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हमें पल्प डालना है, सॉरी पीसेस जो हमने क्यूब्स करे हैं वो डालना है और दूसरे में भी डाल देंगे। बहुत सारे हमने डाल दिए, ठीक है। और अब हमारा इंग्रेडिएंट्स पड़ेंगे। तो पहले में तो मैं बता दे रही हूँ आपको, जो है ये है चॉकलेट जो हमने ग्रेटेड करी थी, तो वो हम निकाल के इसमें डाल देंगे। और हल्का सा सिरप डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे, अभी बहुत हल्का सा हम सिरप डाल देंगे। और हमने डालना है दूसरे में अपना रू अफ़ज़ा। रू अफ़ज़ा का फ्लेवर तो बहुत ही यम्मी होता है और गर्मियों में इसके तो बहुत ही बारे न्यारे होते हैं। तो थोड़ा सा हम तकरीबन अपना रू अफ़ज़ा डालेंगे। ओके, और ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। एक किशमिश, पिस्ता, और थोड़े बादाम, हमने जो चॉकलेट वाला बनाया है उसमें हम पानी डालेंगे। और जो हमने ड्राई फ्रूट वाला बनाया है उसमें हम डालेंगे मिल्क, तो हमने चॉकलेट वाला भी चला दिया। और हमने रू अफ़ज़ा वाला भी मिक्स कर दिया। देखिए अच्छे से मिक्स कर देंगे तो सारा। देखिए कितना बेहतरीन लग रहा है।
भी बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा, इसमें आप किशमिश भी डाल सकते हैं, थोड़ी वो भी अच्छी लगेगी। और मिक्स कर दें बहुत अच्छे से। देखिए समर है तो समर के अकॉर्डिंग हम थोड़ी सी आइस भी डाल देंगे। यहाँ 2 क्यूब में इसमें डाल दे रही हूँ और 2 क्यूब में इसमें डाल दूँगी। और भी अगर चाहें तो और भी डाल सकते हैं। तो लीजिए, तैयार है हमारा बहुत ही यम्मी सा 2 टाइप का हमारा मैंगो शेक। ये जूस में है और ये शेक में है। तो ऊपर से मैं गार्निश के लिए डाल दूँगी थोड़ा, मैं यहाँ पर चॉकलेट ऐसे करके डाल रही हूँ। गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालें तो बहुत ही खूबसूरत लगता है और हेल्दी भी बहुत रहता है। और चॉकलेट सिरप भी हम डाल देंगे, ऐसे किनारी से डाल देंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और बने रहिए बेगम किचन के साथ। ऐसी अच्छी वीडियो के साथ मैं फिर हाजिर होंगी। अपना खूब ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।